एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको मान लेते हैं यू, इसको मान लेते हैं वी, तो वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, इस तरीके से लिख सकते हैं। यू ये है, वी ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ये मिला। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन में हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए, डी वी बाई डी एक्स चाहिए। तो पहले डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे इससे, ठीक है। तो हमने क्या माना था, यू इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स और होल रेस टू, ये है एक्स। अब क्या करें हम, इसमें लॉग ले लें दोनों तरफ, तो ये है लॉग व्यू, यहाँ भी ले लो लॉग, ठीक है। अब लॉग ये जो एक्स है यहाँ क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, एक्स लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये प्रोडक्ट में है तो इसको आप प्लस में लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स, यहाँ इसको आप लिखेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये एक्स इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉग यू विल बी इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस एक्स लॉग कॉस एक्स, इस तरीके से लिखा। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का तो हो गया वन बाई यू एंड डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। इस तरफ देखिए एक्स लॉग एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वन हो गया और लॉग एक्स एज इट इज़ है। अगले केस में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाय एक्स, वो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया वन, ठीक है। प्लस यहाँ भी पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन और लॉग कॉज एक्स ऐसे रहेगा, लॉग कॉज एक्स, ठीक है। अगले केस में हम लॉग कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय कॉज एक्स, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉज एक्स का होता है माइनस साइन, तो ऊपर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स और माइनस साइन यहाँ पे लगा देते हैं, और उसके बाद जो एक्स है यहाँ पे ऐसी है मल्टीप्लाई में, तो एक्स साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, इस तरीके से लिखा। अब यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू, हमने ये माना था, तो ये एक्स कॉज एक्स रेस टू एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स ये, प्लस ये वाला लॉग कॉज एक्स, फिर माइनस ये वाला एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉज एक्स, ठीक है। तो ये जो मिला डी यू बाई डी एक्स मिला हमें, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर टू। अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखिए किस तरीके से, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये जो है एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स, ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट में वन वन प्लस, देखिए लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स प्रोडक्ट में लिख दो आप, ठीक है, ये लिख दिया। फिर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन टेन एक्स है, इसको आप लिख दो, सॉरी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसको आप लिख सकते हैं टेन एक्स, ठीक है। तो अब ये जो है, चाहे तो ये भी कर सकते हैं, चाहे तो ये भी, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो, फिर इसको इक्वेशन नंबर वन में हम इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे। अब हमें फाइंड करना है डी वी बाय डी एक्स, तो वी हमने इसको माना था, तो वी इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स रेस टू वन बाय एक्स। हम क्या करें, सबसे पहले लॉग ले लो, तो ये हो गया लॉग, इधर भी ले लिया लॉग, अब क्या होगा, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर है वन बाय एक्स, तो यहाँ वन बाय एक्स लिख लो, फिर लॉग, फिर एक्स साइन एक्स, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब जो एक्स और साइन एक्स प्रोडक्ट में है, तो इसको आप प्लस में लिख सकते हैं, तो लॉग वी इज इक्वल टू वन बाय एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब वन बाय एक्स इसमें चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर वन बाय एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें हो जाएगा वन इंटू वन बाय एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको अब जो है इक्वेशन मिला है, अब क्या करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले लॉग वी का डिफरेंशिएशन कर लो, तो वन बाय वी डी वी बाई डी एक्स, ये लॉग वी का हो गया। अब इधर देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या करें, सबसे पहले लॉग
एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, और 1/x से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 1/x2। तो पहला तो ये हुआ, उसके बाद प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1/x2 लिख दिया। अब जो log x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो इसको न्यूमरेटर में लिख दो, तो यहाँ न्यूमरेटर में लिख दिया log x इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका हुआ। अब प्लस, अब इसका करना आपको 1/x log sin x, तो यहाँ फिर प्रोडक्ट टू लग जाएगा। तो पहले हम log sin x का डिफरेंशिएशन करें, तो log sin x का होगा सिंपली 1/sin x, ठीक है। इसके बाद अब sin x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का cos x होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऊपर लिख दो cos x मल्टीप्लाई में, तो ये cos x हो गया, और जो 1/x है इनटू में रहेगा इसके साथ 1/x। फिर प्लस अगले स्टेप में 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/x का होता है -1/x2, तो यहाँ लिख लो आप -1/x2, और उसके बाद log sin x ऐसे ही रहेगा, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं log sin x, यहाँ न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे तो कि डिनोमिनेटर में देखिए x स्क्वायर कॉमन है सभी में, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, और ये cos x अपॉन sin x को हम cot x लिखते हैं, इसको cot x लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करें हम, डिनोमिनेटर में तो मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर, सभी में डिनोमिनेटर में x स्क्वायर जो है आ जाएगा, तो ये हो गया +1, यहाँ पे हो जाएगा -log x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो है cot x, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया cot x, बट इसके डिनोमिनेटर में x है, और यहाँ हमने x स्क्वायर लिया है एलसीएम, तो हमें यहाँ x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पे ये क्या बच गया, log साइन x, ये हुआ, तो ये हमें मिला। अब अगले स्टेप में v इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो dv/dx मिल जाएगा, तो dv/dx क्या हो जाएगा इज इक्वल टू v, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, v है हमारा ये, तो v है x sin x की पावर 1/x, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 -log x + x cot x - log sin x, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो आपको जो फाइनल आंसर मिल जाएगा।